And we are going to read for the scripture reading. Scripture reading from the book of 1 Samuel, chapter 17, verses from 16 to 23. पहला स्वामी उसका सत्तरवा बाब उसकी सोलहवीं से तेईस में आज तक हम पढ़ेंगे और मैं उर्दू में पढ़ूंगा और पास्टर डैनिश जो है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे. पास्टर डैनिश इज गोइंग टू रीड इन इंग्लिश एंड आई एम गोइंग टू रीड इन पाकिस्तान लैंग्वेज. प्रेज गॉड. Let us open our Bible in the book of 1 Samuel, chapter 17, verses 16 to 23. For 40 days, the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. Now Jesse said to his son David, "Take this ephah of roasted grain and those 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. Take along these 10 cheeses to the commanders of their unit. See how your brothers are and bring back some assistance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah fighting against the Philistines." Early in the morning, David left the flock with a shepherd, loaded up, and set out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle positions, shouting the war cry, Israel and the Philistine were drawing up their lines facing each other. David left his things with the keeper of supplies, run to the battle lines and greeted his brothers. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defense, and David heard it. Amen. Amen. अब वक्त है कि मैं इस हवाला को उर्दू में पढ़ूंगा और उसके बाद हम खुदावंत का पाक कलाम सुनेंगे. पहला सैमुएल उसका सत्रहवां बाब और उसकी सोलहवीं से तेईसवीं आयत तक. और वह फलस्तीन सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा. और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने इनाज में से एक एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे और उनके हजारी सरदार के पास फरीद की ये 10 टीके ले जा और देख कि तेरे भाइयों का क्या हाल है और उन की कुछ निशानी ले आ. और साउल और वो भाई और सब इसराइली मर्द एलिया की वादी में फलस्तीनियों से लड़ रहे थे. और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यस्सी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ. और जब लश्कर को लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था और उस वक्त वो छड़ियों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फलस्तीनियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सिफाराई की और दाऊद अपना सामान इस बाप के नगबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर आफियत पूछी. और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो
वो पहलवान जाति का फलस्ती जिसका नाम जूलियट था फलस्ती सिफों में से निकला और उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना। खुदावंत के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो। आमेन। हालेलुया। नाउ टुडे व्हाट इज आवर टाइटल? डेविड एंड गोलियत। आज हमारा जो टाइटल है वो दाऊद और गोलियत के बारे में है। एंड आई बिलीव दैट एवरीबॉडी नो अबाउट डेविड एंड गोलियत। और मुझे उम्मीद है कि आप सब डेविड और गोलियत की स्टोरी को जानते हैं। Anybody here who never heard about David and Goliath story? Anybody? No one. कोई इधर है जो जिसने दाऊद और गोलियत की story के बारे में नहीं सुना? I think everybody know it. You know, when I was kid, this is the story that I heard in my Sunday school. Hallelujah. You know, when I was a kid, this is one of my very favorite story. कि जब मैं बच्चा था और संडे स्कूल में मैंने इस कहानी को दाऊद और गोलियत की स्टोरी को सुना था। और I think आपने इसकी मूवी भी देखी होगी। I think everybody know about the movies and all the story and the background about this event that happened in the book of 1 Samuel chapter 17. क्या मुझे उम्मीद है कि आप सब इस इवेंट के बारे में इस तमाम उसके बारे में आप जानते हैं कि इसमें हम दाऊद और गोलियत के बारे में हम देखते हैं। दाऊद, आपको मालूम है कि दाऊद कौन है? Anybody know about David? Everybody know. David is a king of Israel. Hallelujah. Amen. He was the great man of God. Or even God says, he is the one that my heart is too happy. Hallelujah. Amen. कि ये वही बंदा है जिसके बारे में खुदा ने कहा कि ये मेरे जैसा है। Hallelujah. Amen. इसे मैं पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझ पर ईमान रखता है। Now here we can already know about the David battle with the Goliath. और यहाँ देखेंगे कि खुदावंद ने और इस David और इस Goliath के लड़ाई के बारे में कि खुदावंद ने दाऊद को कैसे फतह या भी अता की। Hallelujah. That how God has given the victory against Goliath. As we know that the Goliath is a giant guy, and even the king Saul, the soldiers, even the brother of David, they are trained soldiers. They are very scared to fight with Goliath. क्या आप सबको मालूम है कि even के जो दाऊद सोल बादशाह साउल था और उसके जो सपाही थे और दाऊद के भाई जो ट्रेंड सपाही थे वो भी इस बात से डरते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा और जायंट था, उनसे डरने लगे। और लिखा है, as we know that the 40 day and night he just come and curse the living God of Israel. कि वो 40 दिन और रात सुबह और शाम बाहर निकलता अपने खेमे से और इस्राएल के खुदा को ललकारता था कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ और मुझसे मुकाबला करो। यू सी दिस स्टोरी हैज बीन हैपन मेनी मेनी इयर्स अगो एंड हैज बीन रिमेंबर Israel and Palestine are still fighting with each other. They don't have a peace. आप सबको मालूम है कि इस बात को हजारों साल बीत गए हैं और अभी तक इसराइल में और इसराइल और फलस्तीन में अभी तक सुलह नहीं हुई। लोग चाहते हैं कि ये सुलह करें, पर ये खुदावंद का सिस्टम है। God knows about this mystery. Why it not happened?
But today we are going to learn something very important from the life of David and Goliath. कि आज हम खुदावंत के कलाम में से डेविड और गोलियत की जिंदगी से सीखेंगे कि खुदावंत हमें कैसे बरकत देता है. That how God is going to bless us. How God is going to change our life through their battle. There are so many times when we think, oh, our problems are bigger than my mind. But there is only one God can do the impossible, impossible. Hallelujah. कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि मेरी मुश्किल मेरे सोच से भी बड़ी है. मगर हम एक चीज को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह के नाम में हर एक नामुमकिन चीज क्या जी मुमकिन होती है. Hallelujah. Because our God is the living God of the world. कि हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा खुदा है. Our God is not the God of Buddhists. Our God is not like a Hindus. Our God is not like a Muslims. Our God is the God who has the power. Hallelujah. कि हमारा खुदावंद जो है वो powerful खुदा है. उस जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है. Because He can do the great things in our life. क्योंकि ये हमारी जिंदगियों में बहुत ऐसी बातें करता है जो हमारी सोच से भी बालातर होती हैं. हालेलुया. हालेलुया. हमारी सोच से भी बालातर होती हैं. There are so many of my relatives, my friends who came from Pakistan. कि यहाँ हमारे भाई बैठे हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं. कि जब आप पाकिस्तान में थे आपने कभी कोरिया के बारे में सोचा भी नहीं था. हेलो, आर यू विद मी? मेबी यू नेवर हर्ड अबाउट कोरिया बिफोर इन योर लाइफ, और यू नेवर थिंक दैट यू विल कम इन कोरिया समडे एंड यू विल डू द वर्क, यू कैन वर्शिप हियर एंड यू कैन गिव ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. क्या आप यहाँ कोरिया में आएंगे, कोरिया में पैसे कमाएंगे, कोरिया में खुदा की इबादत करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे? हालेलुया. बट गॉड कैन डू पॉसिबल. हालेलुया. कि खुदावंद इस चीज को मुमकिन करता है. कभी आपने सोचा नहीं था कि यार मैं भी कोरिया में जाऊंगा. पर खुदावंद ने इसको पूरा किया है क्योंकि खुदावंद हमारी सोच से भी बढ़कर हमारे लिए काम करता है. हालेलुया. गॉड इज ऑलवेज डू मोर देन वी थिंक. Because our understanding is limited. Hallelujah. कि हमारी सोच हमारी पावर जो है ये लिमिटेड है और खुदावंद के हजूर उसकी पावर लिमिटेड नहीं है. God is not limited. God is unlimited. Hallelujah. Now you see our most of our friends they are using the unlimited data anywhere in Korea. Even there is a Wi-Fi. Or not, but you are still online because you are doing, you are paying a lot of money for your data, right? Yes. कि यहाँ हमारे बहुत भाई हैं जो unlimited data use करते हैं, हालांकि उसका bill ज़्यादा है. Wi-Fi आता है, नहीं आता है, मगर आप फिर भी online हैं, आप connected में हैं. अगर आपके पास limited है, तो उसके बाद क्या होगा? बंद हो जाएगा. You cannot be connect with people. और यही हमारी लाइफ है. ये खुदावंद जो है वो हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देना चाहता है. खुदावंद God is going to give us unlimited blessings. Hallelujah. But we have to understand how we are faithful to God. ये हमें सोचने की जरूरत है कि मैं कैसे खुदावंत पर ईमान रखता हूं. As we know about the life of David, he was so faithful. वो खुदावंत के हुजूर बड़ा ईमानदार था. वो खुदावंत पर ईमान रखता था. He sang a song. He danced to the Lord. He praised to the Lord. Even he's a very simple person, has a shepherd. You know, shepherd is not a rich man, right? Shepherd is a very normal person.
हमें मालूम है कि जो गलाबानी करते हैं वो ज्यादा अमीर लोग नहीं होते, वो लिमिटेड होते हैं, मगर खुदावंत का पता दाऊद जो है वो खुदावंत की प्रस्तुति भी करता था, खुदावंत से दुआ भी करता था और खुदावंत उसे पसंद भी करता था, हालेलुया, क्योंकि उसने जवानी में खुदावंत को याद किया। यू नो ब्लेस आर दोज हु ट्रस्ट इन लॉर्ड इन देयर यूथ, आमेन, जो अपनी जवानी में खुदा को याद करते हैं वो मुबारक होते हैं। And here we can see there are trained soldiers. यहाँ हम देखते हैं कि जो इसराइल के जो फौजी हैं वो सारे ट्रेंड हैं, वो हर एक चीज चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो उस गुलायत से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनका ईमान मजबूत नहीं है। Now we already know that there are trained soldiers that have been in Israel, but they are not trusting in the Lord that my God is going to help me to kill the Goliath. But there is only one man. There is only one man who has trust in the Lord. कि हम देखते हैं कि वहां सिर्फ एक ही बंदा है जो खुदावंद पर ईमान रखता है और वो कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा। एंड आपको मालूम है कि कितनी दफा उसने उस गोलियत की बातों को सुना था, हाउ मेनी टाइम्स द डेविड हैज हर्ड दैट द गोलियत इज सेइंग समथिंग अगेंस्ट गॉड। There was only one time. How many times? Only one time. The first time when he went there and he saw a Goliath, that this giant is talking something rubbish against God. He was not happy, even he was very young guy. हम देखते हैं कि जब दाऊद ने पहली दफा उस बंदा को खुदा के खिलाफ बातें करते हुए सुना तो वो खुश नहीं हुआ बल्कि उसे गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं आज ही तुझे क्या करूंगा, मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे सच्चे खुदा के खिलाफ बातें करता है। That you are talking against something wrong to my living God. Who you are? यहां देखते हैं कि वो बच्चा है और वो इतना बड़ा जायंट है और उसे ऐसे देखना पड़ रहा है, मगर वो उससे डर नहीं रहा क्योंकि he believed that there is a God. Hallelujah. That my God is powerful than Goliath. कि मेरा खुदावंद जो है इस गोलायत से क्या है जी, ज्यादा पावरफुल है, मेरा खुदावंद ताकतवर है, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। और उसने शक नहीं किया, he had no doubt that he will go there and maybe God is not going to help him do it, is it right? No. He was more than 100% sure that the God is going to help him. Amen. और यहां देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जो है उसे यकीन है कि उसका खुदा उसके साथ है और उसकी मदद करेगा ताकि वो उस गोलियत को मार डाले। How many times the Israel soldiers are listening what he was saying? 40 days and 40 nights. It means 80 times. How many times? 80 times. They heard what he was talking against God. But David heard only one time. You see, how many times people are talking against rubbish, heresies, and trouble, and many
wrong words and we are not yet talk even one word against those people. ये हम देखते हैं कि खुदावंत के जो लोग हैं जो फौजी हैं इसराइल के जो फौजी हैं इवन के जो साउल बादशाह है उसने भी कम से कम 80 दफा इस बात को सुना कि वो बंदा सुबह भी आता है वापस जाता है शाम को आता है वापस जाता है कितनी दफा 80 दफा उसने भी सुना और उसे भी डर लग रहा था मगर दाऊद ने पहली दफा सुना और उसको गुस्सा आया कभी अपनी अपने अपने भी अपने आप में भी देखें कि कितनी दफा लोग हमारे खुदा के खिलाफ बातें करते हैं और हम उन बातों को क्या करते हैं किनारा कशी कर जाते हैं लोग गलत गलत तालीमें देते हैं बाइबल से निकाल निकाल के हम उनकी भी सुन के कानों गुल कर देते हैं इधर से सुनी इधर से निकाल दियो यार पागल ये ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के खिलाफ बुरी बुरी बातें करते हैं और हमें फिर भी खुदा की गैरत नहीं आती हम फिर भी बात को सुन को टाल देते हैं हंस के खत्म कर देते हैं then how we can get blessed by God अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हम कैसे खुदा से बरकत पाएंगे We have to defend our faith. Hallelujah. हमें अपने ईमान का मुकाबला करना है हमें अपने ईमान पर कायम रहकर उन लोगों का मुकाबला करना है जो खुदा के खिलाफ गलत बातें करते हैं खुदावंद के बंदा ने एक दफा सुना और उसको गुस्सा आया क्या आपको गुस्सा आता है कोई अपना कोई एक गाल काट जावे और ये मरण जो तो ही खत्म चलो जी तेरा मेरा रिश्ता खत्म खून सफेद हो गया जी फिर उन्होंने लाल बोतल की अर्जी पाल लो ताको रे सफेद खून लाल हो गए You see how many times when we fight with our own people And we say, oh, I will not see you anymore. My blood is going to white. Because you are my enemy. And here we can see who is the great enemy. The people who talk against our God. Hallelujah. How many times you defend yourself? And how many times you defend your faith? Before the people. कितनी दफा हम अपने खुदावंद खुदावंद की गैरत हमें आती है को साढ़े तक उंगली भी काट दो तेरी उंगली काट देनी है भाई तू मेरे यहां उंगली क्यों कीती है ऐसा क्या हेलो आई आप मेरे साथ हैं अगर आपकी कोई बात भी कर दे तो आप तो उसको मारने पर तुल जाते हैं और तू कौन होना है जरा मेरे खिलाफ ऐसा गला कर सकना तो जो आपके खुदावंद के लिए आपके मसीह के लिए आपके यीशु के लिए बातें करता है कितनी दफा आपने कभी ऐसी गैरत आई है कोई है ऐसा बंदा जो अपना हाथ खड़ा करे और ये कहे कि यार जो भी किसी ने यीशु के खिलाफ गल की थी और मैं तो चुपाटे मारे ने एनीबॉडी हियर ओह प्रेज गॉड Okay, there is only one person. Hallelujah. Praise God. Even not chumate, you mean? Alfazo ke chumate bhi laga sakte hain aap? Okay, praise God. Oh, Ashka ne mara tha bhai apne dost ko usne Yesu ke khilaf baatein ki aur Ashka ne usko punch mare. Ma, she is a karate girl, huh? She loved taekwondo. Now you see, This is very important for our life. Yeah, हमारी जिंदगी के लिए बड़ी सबक सदा स्टोरी है कि हम कैसे खुदावंद से बरकत पाते हैं और ये इतनी बड़ी जायंट है और दाऊद इतना छोटा है मानो उसके कदो कामत से डरा नहीं बल्कि उसने क्या किया
उसने कहा कि मैं मैदान में आता हूं और तेरे से मुकाबला करता हूं क्योंकि तूने मेरे खुदावंद के खिलाफ बातें की हैं, तू मेरे खुदा को जानता ही नहीं। हालेलुया। नाउ सी हाउ मेनी टाइम वी डिफेंड आवरसेल्फ बट वी नेवर डिफेंड आवर फेथ, वी नेवर टॉक और वी नेवर डिफेंड व्हेन समबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट आवर गॉड। As we become more modernized, we are become a silent people. Or sometimes we say, oh, God is going to see you. कितनी दफा ऐसे होता है जब हम हमारी जिंदगियों में ऐसे वाकयात आते हैं और हम ये कह देते हो खुदावंद तेरे देखेगा, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, खुदावंद तुझे देखेगा। तो आपको कौन देखेगा जी? खुदावंद आपको भी तो देखेगा ना। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं तेरी बातें करने से शर्माता नहीं हूं। Even though Paul says, I'm not ashamed to share your word among people. I'm proud to be your pastor. Hallelujah. कि मैं फख्र करता हूं कि तूने मुझे चुना है कि मैं तेरी मुनादी करूं। How many times we say such a word in our life? कितनी दफा हमने कभी ऐसी बातें अपने आप से कही हो? None of time, I think. But here, today is the time. आज वक्त है आप भी खुदावंद की इस गैरत को, खुदावंद के इस फखर को अपनी जिंदगी में अपनाएं। क्योंकि आप देखते हैं कि ये बिदते हैरेसीज कैसे डेवलप होती हैं कि जब आप उसको डिफेंड नहीं करते। You know how many people having a wrong teaching, even heresies, because we are not defending them, and they are openly spreading their words to the people. Even that is cult. हालांकि वो गलत तालीम है, मगर जब हम उसके खिलाफ बात नहीं करते तो वो फैलती जाती है। कुछ लोग उसे सच्ची बात भी मान लेते हैं, ऐसा ही है जी? और कुछ लोग जो खुदा के कलाम को जानते हैं वो समझते हैं कि ये बात कलाम से बाहर है। And I believe that every teaching that come out of the Bible, that is cult. कि जो भी तालीम खुदा के कलाम से बाहर है वो क्या है जी? वो गलत तालीम है, वो हैरेसी है, वो खुदा की तालीम नहीं है। That's why we have to understand the life of David. David was not scared. Even he have a big person to kill. अलग हम देखते हैं कि दाऊद इस बात से नहीं घबराया कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कदकामत बंदा है और उसे उसे मारना है, क्योंकि उसे यकीन है। He have fully trusted in the Lord. वो fully खुदावंद पर ईमान रखता था कि मेरा खुदा मुझे इस पर फतह याबी अता करेगा। Today is same. There are so many giants are coming to our way. और आज भी हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में इसी तरह से बहुत से ऐसे गोलायत हैं जो हमारी जिंदगियों में आते हैं। But we can get success only in the name of the Lord. Amen? Amen. कि हम सिर्फ उन गुलायर पर फतह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही पा सकते हैं। हालेलुया। There is no other name but the name of Jesus can give us success of our life. कोई भी ऐसा नाम हमें बख्शा नहीं गया जो हमें कामयाबी अता करे सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का नाम जो है द नेम ऑफ हेवन। आमेन।
खुदा यीशु मसीह का नाम हमारे लिए जन्नत है, क्योंकि वही रास्ता है, वही सच्चाई है और वही सच है। हालेलुया, बिकॉज़ जीसस इज द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ। आमेन, वही हमारी जिंदगी है। और यह हम देखते हैं कि डेविड जो है वो खुदावंद पर यकीन रखता है और गुलायर जो है वो अपने खुदावंदों पर यकीन रखता है कि मेरा जो खुदा है वो इसराइल के खुदा से बड़ा है और मैं इस तमाम फौज को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा और इन पर फतह पाऊंगा, फिर मेरा ही राज होगा। Now we already know that Goliath has believed his own God and he thought he can be conquered the Israel and he can get the victory against the Israel army. But he doesn't know about the real God. Hallelujah. And we know our God is the God of Yahweh. Amen. Our God is bigger than other gods. Because our God is not dead. Our God is living God. Amen. क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो मुर्दा नहीं है, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो कल भी यकसा था, आज भी है और हमेशा तक रहेगा। He is the same yesterday, today and forever. He never be changed. But the gods of Hinduism, they have a thousands of gods. They don't believe even one God. Even the Israel, even the Muslims have their God. Even the Buddhists have their God. But our God, we believe He is the living God. Amen? Amen. We don't believe in statues. We don't believe in pictures. We don't believe that these rocks, shapes can give us everything. क्या हम इस चीज को मानते हैं कि मजस्मे जो हाथों से बनाए जाते हैं वो सच्चे खुदा नहीं है? हालेलुया, बिकॉज़ आवर गॉड इज लिविंग इन हेवन। आमेन, क्योंकि हमारा खुदावंद आसमान पर रहता है। आवर गॉड इज वांट अस टू गो इनटू हिज किंगडम, क्योंकि हमारा खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बादशाह में रहें, उसके साथ रहें। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर लाइव्स, विच पर्सन आई एम, आई एम द सेम पर्सन लाइक डेविड और आई एम द पर्सन लाइक गोलियत। आज हमें भी सोचना है कि हम दाऊद की तरह हैं और हम उस गोलियत की तरह जो अपने पावर पर यकीन रखने वाले हैं, और या हम खुदावंद जो सच्चा खुदा है उस पर यकीन रखते हैं। Let us close our eyes. Let us pray. आइए आप अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के बारे में सीखें कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे लिए क्या है, निजात है। The word of God is the treasure for our life. Let us pray. Father God, we thank you for this time and for this wonderful day that you has given us. Father God, to bless every one of us. Kudus, Baba Yesu, hum tera shukr chahte hain aaj ke din ke liye, is mauka ke liye, aur aaj ke is kalam ke liye jo tumne ata kiya hai. Father God, to bless every one of us and give us the same spirit like David, that we can fully trust it in you. Ke khuda Baba Yesu, hame bhi barkat ata kar, हमें भी दौड़ की तरह का रूह अता कर, ताकि हम तुझ पर यकीन रखें, तुझ पर ईमान रखें, ताकि हम तुझसे बरकत हासिल करें। एंड फादर गॉड, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन जीसस नेम आई प्रे। और हम सब कुछ मांगते हैं कादर यीशु मसीह के नाम से, आमेन।